जोहार दोस्तों, जय धर्म। सरनादिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। और आज मैं एक विशेष बातों को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, और उस वीडियो को मैं ब्लॉगिंग की तरह बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। आप लोग जानते हैं कि मैं विनोद भगत, सरनादिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से। आज हम लोगों का करम पर्व है, और इस करम पर्व में आदिवासी लोग भेलवा फारी करते हैं, डंडा कटना जिसे कहते हैं। और ये डंडा कटना अच्छे खेती बाड़ी को करने के बाद और करम के शुभ अवसर पर भिलवा फाड़ी डंडा कटना किया जाता है। डंडा कटना उरांव लोग हर शुभ कार्य में करते हैं, और पुरखौती यह है, और यह दर्शन हमारा पृथ्वी से सूरज चांद तारा से है, अर्थात यह नौ ग्रहों का भी इसमें दर्शन है। इस पृथ्वी में, यूनिवर्स में जो चीज है, उसी का यह दंड कटना दर्शन है। उसी को हमारे आदिवासी लोग पूजा के रूप में दंड कटना करते हैं हर शुभ अवसर पर। आज करम का त्यौहार है, और इस करम का त्यौहार में, करम का पूजा में भेलवा फाड़ी डंडा कटना का अहम भूमिका होता है। तो उसी के संबंध में अभी हम बताने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग देखते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यह है भिलवा डंडा, इसको अभी हम खेत में ले जाके धान खेत में घुमा के लाएंगे। इसमें चावल है और कुछ रुपया डाला गया है। इस तरह से आज कर्मा पर्व में खेती बाड़ी को लेकर के भिलवा फारी किया जाएगा, अच्छा कर्म बीते इसके लिए। और इसको पुआल से बांध दे रहे हैं, बांधा जाता है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भेलवा फारी में भेलवा डंडा, भेलवा डहुड़ा को लाया जाता है, और उसमें चावल को बांधा जाता है जो हमने बांधा, और अभी खेत में ले जा रहा हूँ। खेत में ले करके धान का फसल को छुआ करके, धान के फसल खेत में घुमा करके उसको लाऊंगा, उसके बाद में भेलवा फाड़ी होगा। तो दोस्तों, ये है भेलवा डहुड़ा और भेलवा डंडा। इसमें अरवा चावल को तीन पत्तों को परत दर परत रख करके पुआल से बांधा गया है, और यह भिलवा डंडा और डहुड़ा को अभी हम धान के खेतों में घुमा करके लाएंगे। तो अभी हम धान के खेतों में जा रहे हैं दोस्तों। इधर धान का खेत दिख रहा है, और धान का खेत होते हुए हम अपना धान का खेत में जा रहे हैं, और वहाँ पर इसको घुमा करके लाएंगे। अभी मेरे की तरह हर कोई अपना अपना खेतों में भेलवा डंडा को घुमा करके ला रहे हैं। उसमें सीधर एक भाई अभी भेलवा डंडा को अपने खेतों में घुमा करके ला रहा है।
सभी कोई अपने अपने खेतों में भिलवा डंडा को घुमाते हैं। ठीक इसी तरह ये भाई भी घुमा के आ रहे हैं। एक संग कच का खल्ले भाई। अच्छा डंडा कटता ना रही मला। तो दावले दावले करम बितना रही दावले दावले बितना चाहिए नहा दुआ करने। अच्छा गुजा तब कालोत। अभी दोस्तों जा रहे हैं, अपना खेत पहुंचे भी नहीं है, थोड़ा दूर में है खेत, दिखा रहे हैं इधर सब तरफ धान का खेत है। और धान के खेत के बीचों बीच अभी मैं अपना धान का खेत जा रहा हूं और अपना धान का खेत पहुंच करके इस डंडा को घुमा करके सारे तरफ छुआ करके खेतों में लाने का प्रयास कर रहा हूं, जा रहा हूं। इसमें बांधा हुआ जो चावल है वही चावल है जिस चावल से भिलवा फारी करेंगे, जिसको हम लोग सूप में रखेंगे, यही चावल के माध्यम से भिलवा फाड़ी होगा। और इसको भिलवा फाड़ने वाला व्यक्ति जो होगा वो इसी चावल को खोल के सूप में रखेगा। ये धान का खेत जितना दूर आप नज़र लगाइएगा उतना दूर धान का ही खेत है। और उधर पेड़ सब दिख रहा है, उधर घर वगैरह है, और ये इधर सब जगह खेत ही खेत है और धान ही धान है। इस तरह का रास्ता में जा रहे हैं, यह धान खेत के बीचों बीच में यह रास्ता है। और हम अपना खेत पहुंच चुके हैं, यही हमारा धान का खेत है। ये हमारा धान का खेत है, इसमें हम लोग धान रोपते हैं और धान रोपे हुए हैं। इस तरह से भिलवा का डंडा को घुमा रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से भिलवा का डंडा को खेतों में घुमा रहा हूं और टच कर रहा हूं, धान से छुआ रहा हूं। अब वापस आ रहा हूं घर की ओर। अब घर आकर के वापस आकर के भिलवा फारी होना है, भिलवा फारी करवाएंगे। और भिलवा फारी करने के लिए पहान आएंगे, पहान को बुलाया गया है, पहान के आने तक में अभी हम घर वापस आ जाएंगे। आज हम आप लोग को जो दिखा रहे हैं करम पर्व के शुभ अवसर पर भिलवा फाड़ी, यह कुणुख लैंड का वीडियो है। कुणुख लैंड अर्थात रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, लातेहार, इन क्षेत्रों में अधिकतर कुणुख लोग रहते हैं, कुणुखर लोग रहते हैं। और यह रांची जिला के मांडर प्रखंड से है, नगड़ा गांव से हम इस कुणुख के रीति रिवाज को दिखाने का हम आज प्रयास कर रहे हैं। और भिलवा फाड़ी अहम भूमिका होता है आदिवासी समाज में, हर शुभ कार्य में किया जाने वाला यह सिस्टम है, हर शुभ कार्य में किया जाने वाला एक तरह का ये पूजा है। और शुभ और अशुभ को जानने का यह डंडा कटना होता है, उसको हम दिखाने का प्रयास आज कर रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और आप सारे लोग देखिएगा और कैसा है, कैसे हुआ, उसको बताने का आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे समाज वालों के लिए। अभी देख रहे हैं कि ये कोयला को पिसाई किया जा रहा है, कोयला काला रंग के लिए कोयला को पीसते हैं।
इस तरह से कोयला पिसा गया बाबा, बनाया? काला रंग के लिए कोयला, सफेद रंग के लिए चावल को पीसते हैं, चावल पिसा गया, और ये भूरा रंग के लिए ईटा या फिर खपरा को पीसते हैं। इस तरह से ये तीन रंग पिसा गया। अभी देख रहे हैं ये खेत से आए, उसके बाद में भिलवा फाड़ने वाला पहान आ गए हैं, और भिलवा डंडा जिसको हम खेत में ले गए थे उसी को डंडा कटना योग्य बना रहे हैं। इसको काटा जाता है और काट रहे हैं। तो चलिए इसको देख रहे हैं। अभी सूप में अरवा चावल है, और यह सूप को बताया जाता है कि ब्रह्मांड माना जाता है, और अंडा को पृथ्वी, और चावल को पूरे यूनिवर्स का चांद तारा सूरज वगैरह माना जाता है। आज उसी को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी समाज पूरे ब्रह्मांड का पूजा करता है इस डंडा कटना के माध्यम से, पूरा यूनिवर्स का पूजा करता है। हर शुभ कार्यों में जो किया जाता है उसे आज करम पर्व के शुभ अवसर पर अच्छा खेती हो इसके लिए, और खेती लगाए, धान वगैरह लगाए, उसके बाद में यह त्यौहार आता है, और इसमें भिलवा फारी इस करम पर्व में सबसे अहम भूमिका होता है। गोबर से लिपा जाता है, और वही कार्य हो रहा है, गोबर से लिपने का कार्य। डंडा कट्टा करने से पहले चिन्ह बनाया जाता है। यह चिन्ह सातों ग्रहों को दर्शाता है, ऐसा हमारे पुरखों का कहना है। भविष्य, भूत और वर्तमान को दर्शाने वाला यह रंग होता है, सफेद, काला और ब्राउन कलर का होता है। यह फसल का पूजा होने के चलते उधर जो बना वो धान की बाली है, धान की बाली इसको समझा जाता है। यह रंग जो लगाया जा रहा है, जिस रंग से यह डंडा कटना चिन्ह को बनाया जा रहा है, यह वर्तमान, भूत और भविष्य को दिखाने का कार्य करता है। यह काला रंग है जो भूतकाल को प्रदर्शन करता है, बादल का छाया है भाई। इधर चेंज कर रहे हैं, कोई लेन दे अम्मी माँ चेंज के बाद निंद तेंगे दान, लेकिन निम पत्तम बगन लगे चेंज का मारा चल के सब गिरी गली। ये रंग है, नमी हो चुका है, इसके चलते जमा जमा गिर रहा है, भुरभुरा नहीं हो पा रहा है। Hmm.
इस तरह से अब हिलवा फारी का प्रोग्राम का परिणाम आने वाला है। ये डंडा जो फाड़ा हुआ है ये किधर पलटता है उसको देखना है। इस तरह से दो डंडा पलट के सही हो चुका है एक बार में। इसी को देखना होता है डंडा कटना भिलवा फाड़ी में कि कितना बार में यह पलट के सही होता है। तो ये दूसरा बार में भी नहीं हो पाया। इस तरह से अच्छा संकेत का प्रयास हो रहा है। तीन बार हो चुका है। तीन बार में भी अभी नहीं हो पाया है। ये चौथा बार में कंप्लीट रूप से पलट चुका है और चार बार में यह संकेत शुभ संकेत हो चुका है। इस बार का खेती बारी कर्म वगैरह सभी अच्छा से बीतेगा। उसी के लिए यह भिलवा फाड़ी हो जा रहा है शुभ कार्य के लिए। इस तरह से भिलवा फाड़ी में बहुत कोई साथ दे रहे हैं। इधर कुछ खड़िया भी बनाया जा रहा है, लगता है खड़िया लगता है और सभी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे। आज पूजा दिन है, आज का हड़िया प्रसाद है और इस प्रसाद को सारे लोग ग्रहण करते हैं। अब अंडा और चावल में हड़िया का पानी को मिक्स किया जा रहा है। इसी से धर्मेश का भोग बनेगा और इसको भोग चढ़ाया जाएगा। इस तरह से मिक्स करके धर्मेश के लिए अर्पण किया जा रहा है, भोग चढ़ाया जा रहा है। इसको अभी आग में पकाया जाएगा। नहीं हुआ है, पूजा खत्म हो चुका है लेकिन अब साफ सुथरा इसको करने का बाकी है। अंत नहीं हुआ है लेकिन पूजा संपन्न हो चुका है। अब पूजा को आखिरी की ओर ले जाएंगे तो उसको दिखा रहे हैं। चलिए, इस तरह से भिलवा फारी सफल होने के बाद में उस भिलवा फारी जगह में जितने भी सामान चीजें उपयोग की गई थी उसको एक जगह करके साफ किया जा रहा है। उसको अब इसको साफ करने के बाद में इसे खेत में ले करके गाड़ा जाता है अपने धान के खेतों में, जहां पर हम लोग खेती करते हैं धान लगाए या फिर डहुड़ा को छुआ करके घुमा करके लाए थे उन खेतों में इसको स्थापित कर दिया जाता है। या जिस तरह पहले हम बांध करके खेत धान में ले गए थे छुआने के लिए, खेतों में घुमाने के लिए, वही चीज यहाँ भी बन के तैयार हो गया। इस तरह से भिलवा फारी जगह को जिस तरह से शुरुआत किया जाता है गोबर लीप करके, ठीक उसी तरह गोबर लीप करके अंत किया जाता है पूजा को, भिलवा फारी को। वही प्रक्रिया हमारे भिलवा फारी व्यक्ति पहान समझिए उनके द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से
पूर्णतः संपन्न हो गया। ये चावल का हड़िया और पानी इस तरह से अब हमारा अंतिम प्रक्रिया में है, जिसको डंडा कट्टा किया गया, उसको झोंकना बोलते हैं, बड़सना बोलते हैं। डुम्बारी जागो डुम्बारी नोर काराम डार हरे हाय जागो डुम्बारी नोर काराम डार राम सुने कबोने का लाभ गौरी बीजी को ससुराल के ला बड़ा दो है कारम डारे हरे हाय ससुराल गेला बड़ा दूर है कारम डार और मर गोर लगाए गोर लगे क्या ना परम इस तरह से हमारे घर का भिलवा फाड़ी खत्म हो गया और साथ देने के लिए लोग आए थे, साथ दे रहे थे सारे लोग, और बहुत खुशी हुआ कि आज इस भिलवा फाड़ी प्रोग्राम के साथ करम पर्व शुरू हो रहा है। कल कर्मा है और आज भिलवा फाड़ी था, डंडा कटना था, और यह प्रोग्राम करते हुए बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जिसे आप लोग देख के आप भी सीखिएगा या हमको बताइएगा, समझाइएगा, गलती हुआ होगा तो। चलिए हम आप सारे लोग देखते हैं YouTube चैनल सरनादिवासी पर्व त्यौहार में।